तो बच्चों, अगर आप क्लास 9th में हैं तो आपको ये वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंट होता है। पहले भी मैंने बताया था, लेकिन मैं आज आपको फिर से बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? जब तक हम किसी चीज को बार बार नहीं पढ़ते, वो चीज हमें याद होती नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका लिखा है कि स्पीड होता क्या है। तो अगर आपके एग्जाम में अगर सिंपल सा बता दोगे कि स्पीड क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब बात करते हैं अपने वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो होता है, साथ साथ क्या होता है? डायरेक्शन होता है। अगर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन है कि मैग्नीट्यूड होता क्या है, तो आपको बता दूं कि मैग्नीट्यूड मतलब होता है जब किसी चीज को किसी ना किसी क्वांटिटी में नापते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं, एक कार है, ठीक है। एक कार है, वो कार यहाँ से स्टार्ट कर रही है और चलना शुरू कर रही है, तो एक ही डायरेक्शन में जा रही है। इसका कोई डायरेक्शन नहीं पता कि नॉर्थ में जा रही है, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। आप नहीं बता सकते कौन से डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि बार बार एक ही जगह पे घूम रही है। लेकिन कार पहले क्या थी, जब कार एक जगह खड़ी थी तो उसकी स्पीड क्या थी? 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जब कार ने यहाँ पे चलना शुरू किया तो उसकी स्पीड जो भी बढ़ेगी, या वो 2 की स्पीड से चलेगी या 40 या 80 की स्पीड से चलेगी, तो जो स्पीड बढ़ी, यानी यहाँ पे आया 5 मीटर की स्पीड से मान लो चल रही है, ठीक है, तो 5 आया, या फिर उसकी स्पीड और बढ़ गई तो 80 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। तो 80 और 5 हमारा क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड कहलाता है, ये नंबर आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी के अंदर क्या होता है, मान लो कोई कार है जो वेस्ट में है और वो जा रही है कहाँ पे? ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। कौन से डायरेक्शन में जा रही है? ईस्ट की तरफ, यानी पश्चिम से पूरब जा रही है। तो ये इसका क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया। साथ में कार किसी ना किसी स्पीड से चलेगी, चाहे वो 20 मीटर की स्पीड से चलेगी। मान लो कार जो है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो उसका क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंट होता है।